नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आपके लिए हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर आया हूं। असल में हुआ यह है कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले जो है इंदौर में जो घटना हुई थी, अभी भारत कोरोना संकट से जूझ रहा है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया। यहां पर इंदौर में जो मेडिकल स्टाफ गया था एक एरिए में, एक जो है शांतिप्रिय कौम के एरिए में, और वहां पर मेडिकल स्टाफ के साथ जो है हाथापाई की गई थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, उन्हें भगाया गया था, उनकी जान की नौबत आ गई थी। और उसके बाद फिर जो है पूरे मीडिया, सोशल मीडिया में ये खबर आंख की तरह फैल गई थी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन आरोपियों के ऊपर NSA लगाया था, और NSA लगाने के बाद जो है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया था, जिनमें से एक आरोपी जिसके ऊपर NSA लगा है, जो कि इंदौर कांड का आरोपी था, जिसका नाम है जावेद खान। जावेद खान को इंदौर से जो है जबलपुर जेल शिफ्ट किया गया था, और जबलपुर जेल में उसकी जब तबीयत खराब हुई, उसका जो है टेस्ट कराया गया और वो टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। मतलब इंदौर का वो जो पत्थरबाज आरोपी था, वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और वह जेल में है। तो जेल में कोरोना पॉजिटिव हो गया है। असल में वो पहले से ही कोरोना पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन जब वो इंदौर से जबलपुर जेल शिफ्ट किया गया तो उसके लक्षण दिखाई देने के बाद टेस्ट हुआ और वो कोरोना पॉजिटिव आया। तो जावेद खान कोरोना पॉजिटिव है, इंदौर कांड का आरोपी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वो मैं भलीभांति समझता हूं, लेकिन फिर भी जो नहीं समझते उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और वैसे भी आप लोग घर पर हैं तो आप लोगों को जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।